बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में आपको प्रकाशिकी पेपर के अंतर्गत टाइप ऑफ फिल्म्स और टाइप ऑफ फ्रिंजेस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कल आपने देखा था जो तन फिल्मों से व्यतिकरण जो होता है, थिन फिल्मों से जो व्यतिकरण है, उन थिन फिल्म से व्यतिकरण में आपको ये बताया था कि जो प्रभावी पथांतर आता है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो आपको प्राप्त होता है, द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज वॉट डेल्टा बराबर ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय टू। इफ द इंसिडेंस ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू द सरफेस देन आई इज इक्वल टू जीरो एंड दैट्स व्हाई आर इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू जीरो कॉस आर इज इक्वल टू वन। और अगर फिल्म एयर की है तो एयर के लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान कितना होता है, वन। तो ये उसका जो मान है वो एक वन होता है। तो उसमें जो चीज आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जब उसका मान वन के बराबर होता है तो आपने ये चीज नोट की यहाँ पर अभी अभी कि जब तीन प्रकार की फिल्मों से अपन बात करेंगे तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये देखें आप यहाँ कि जब टी सबसे पहले थिन फिल्म है, जो मीडियम फिल्म है जिसकी ऊपर बात कर रहे हैं, उस फिल्म में क्या है कि उस फिल्म में टू टी माइनस लैम्डा बाई टू ये आपको व्यतिकरण होगा और रंगीन दिखाई देगी कलर, क्योंकि व्यतिकरण होगा कहीं संकोची होगा किसी रंग के लिए, किसी के लिए श्वेत प्रकाश जब आप करेंगे तब, क्लियर। तो रंगीन दिखाई यानी कलर दिखाई देगी आपको, ये वही ये मध्यम फिल्म मोटाई की फिल्म है। अगर आप वेरी वेरी थिन फिल्म है आपके पास, तब फिल्म की मोटाई थिकनेस काफी कम है, उस वक्त जब कम होगी थिकनेस तब आप जो देखेंगे इसमें तो टी का मान जब बहुत कम हो जाएगा, टी इज लेस देन -6 देन इसमें से आप टी को छोड़ देंगे तो लैम्डा बाय 2 रह जाएगा -λ/2 एंड दिस -λ/2 इज व्हाट इट इज शोइंग द पाथ डिफरेंस विद λ/2। जब पाथ डिफरेंस λ/2 होता है उस वक्त क्या होता है, तरंगे परस्पर विपरीत कलाम मिलती है, विनाश व्यतिकरण होता है। तो आपको जो फ्रिंज है वो कहीं कहीं देखिए सदैव काली प्रतीत होगी, ये आपको पता। अब नंबर तीन पर आते हैं, अगर जो फिल्म है तम फिल्म है वो ठीक है, यानी उसकी जो मोटाई है वो 10^-6 से बहुत 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 ज्यादा है, उस केस में यानी टी का मान लैम्डा से भी ज्यादा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जब टी का मान ज्यादा होगा तो लैम्डा बाय 2 आप छोड़ सकते हैं, टी इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो टी को अगर आप छोड़ लैम्डा बाय 2 को छोड़ दोगे तो टू टी बचेगा, और टू टी क्या होगा ये लार्ज है, लार्ज है तो अंदर का मान भी लार्ज हो गया, लार्ज जब पथांतर का मान ज्यादा होता है तो व्यतिकरण आपको प्रतीत नहीं होगा। तो जो लाइट आप डालेंगे उस पर, जो लाइट आप डाल रहे हैं ऊपर से, जो लाइट आप उस पर डालेंगे वो लाइट ही आपको लौट कर परावर्तित होगी, यानी आपको जो फिल्म है वो फिल्म आपको रंगीन दिखाई नहीं देगी, काली दिखाई नहीं देगी, बल्कि जिस प्रकाश जो प्रकाश आप डाल रहे हैं उसी समान प्रतिपल वाले प्रकाश से वो आलोकित होगी, प्रदीपित होगी, श्वेत दिखाई देगी। तो इस केस में आपको रंगीन होगी, इस केस में अगर फिल्म का मान बहुत कम है, बहुत अत्यधिक पतली है तो वो काली होगी, और वो अत्यधिक मोटी है तो वो श्वेत दिखाई देगी। ये चीज आप लोग सब लोगों को पता हो, उसको पूछा करते हैं। अब इसको इससे अलग हटकर जो चीज देखने जा रहा हूं ये है कि आप इसको बार बार सुन रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ जो फ्रिंजेस है वो फिल्म में कितने प्रकार, फिल्म क्या होती है और फ्रिंजेस क्या होती है, सबसे पहले ये पता हो। फिल्म पदार्थ की बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था फिल्म का नाम, जो बच्चों ने नहीं सुना है वीडियो, फिल्म माने जिस साबुन का बुलबुला है, तो वो जो परत है साबुन के बुलबुले की वो फिल्म है। अगर किसी पानी की सतह पर अगर चिकना आप हाथ डाल दोगे उसमें, तो उस पर चिकना हाथ पानी की परत पर ऊपर की तरफ क्या होगा, एक चिकना चिकनी परत जम जाएगी, दैट इज अ थिन फिल्म। तो जो थिन फिल्म है, फिल्म होती है
उसकी आकृति आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। तो अब दो प्रकार की आकृतियां लेंगे, अब फिल्म की, फिल्म किसकी बनी होती है, पदार्थ की, और पदार्थ यानी समान मोटाई की भी फिल्म हो सकती है और समान कोण की भी हो सकती है। समान कोण के तीन पर्यायवाची शब्दों को मैं आपको बता रहा हूँ, समान कोण की अथवा समान आनति की अथवा इसका नाम है वैज शेप्ड, वैज की आकृति की, जैसे हाई हील शूज होता है, हाई हील जो होता है, तो आप देखते हो कि हील की तरफ से जमीन से ऊंचा उठा होता है उसका मुंह कोण का, और जमीन पर जैसे ये, जैसे ये जो है ये तो समान मोटाई की होगी, ये समान मोटाई की फिल्म बनती है, देख पा रहे। और ये जो मैं बना रहा हूँ इस समय, थोड़ा सा नीचे कर इसको वीडियो को, ये जो बना रहा हूँ मैं आपको, देखें आप यहाँ पर, ये जैसे ये जो फिल्म है, जॉब से बढ़ रहा हूँ इस समय में, और देख लें थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ, ये यानी ये तो समान मोटाई की फिल्म होगी पदार्थ की, और ये समान आनति की होगी, समान कोण की होगी, या इसको वैज शेप बोलेंगे, समान कोण अथवा समान आनति अथवा सम अथवा वैज शेप्ड, वैज WEDGE वैज शेप्ड, या इसको क्या बोलेंगे आप कि ये समान, इंग्लिश में फिल्म ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, समान कोण की इंक्लिनेशन की फिल्म, तो समान कोण की, समान आनति की, वैज शेप्ड अथवा फिल्म ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, तो इस तरीके से आप इनको भाषा में बोल सकते हो। तो ये तो हो गए फिल्म के प्रकार, दो प्रकार की फिल्म, और जिसमें दूसरे प्रकार की फिल्म के कई सारे अर्थ। अब आप लौट के आ रहे हैं, जब फिल्म आपने ली है तो फ्रिंजे कितने फ्रिंजे कितने प्रकार की होंगी वो देखेंगे। फ्रिंजेस के प्रकार यानी फ्रिंजेस ऐसी क्या होती है, फ्रिंजे भी दो प्रकार की होती हैं, जो पर्दे पर जो फ्रिंजे प्राप्त होंगी, पर्दे पर जो फ्रिंजे प्राप्त होंगी उन वो भी दो प्रकार की होंगी, एक तो क्या होगी एक समान मोटाई की फ्रिंज किसकी होगी, फ्रिंज किसकी बनी होगी, प्रकाश की, फ्रिंज सदैव किसकी होगी, प्रकाश की, ये आपको ध्यान रहे, और फिल्म किसकी होगी, सदैव लिए गए पदार्थ की। ये मैं आपको जोर से आपको बता रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि ये बातें बहुत बारीक हैं जो आपको लिखी नहीं मिलेगी, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि फिल्म की बात हो रही है कि फ्रिंजेस की बात हो रही है। तो फिल्म तो पदार्थ की होती है जो आप लेंगे, हवा की हो सकती है फिल्म, फिल्म पानी की हो सकती है, फिल्म किसी तारपीन के तेल की हो सकती है, फिल्म अन्य किसी ऐसे पदार्थ की हो सकती है, लेकिन जो फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, जो फ्रिंजेस प्राप्त होंगी वो आपको पर्दे पर प्राप्त होंगी। फ्रिंजेस किसकी बनी होती है, प्रकाश की, प्रकाश जो आप यूज कर रहे हैं उस प्रकाश की आपको पैटर्न जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, फ्रिंजेस। तो ये फिल्म और फ्रिंजेस में आपको पता हो, तो फिल्म दो प्रकार की होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसे ही फ्रिंजेस भी दो प्रकार की होती है, एक समान मोटाई की फ्रिंजेस और नंबर दो एक समान आनति की फ्रिंजेस, या एक समान कोण की फ्रिंजेस, या इसको हेडेंजर फ्रिंजे भी कहते हैं, हेडेंजर फ्रिंजे। और ऐसे ही एक समान मोटाई की फ्रिंजों का दूसरा नाम क्या है, फ्रिंजो फ्रिंजेस, फ्रिंजो फ्रिंजेस भी इनका नाम है। तो ये पर्यायवाची जो शब्द हैं इनका भी आपको, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर एक समान मोटाई की फिल्म आप यूज कर रहे हैं तो प्राप्त जो प्रकाश होगा, प्राप्त प्रकाश की जो फ्रिंजे होंगी वो आपको एक समान आनति की उल्टा ध्यान रखिए। अगर फिल्म समान मोटाई की है तो फ्रिंजे कैसे प्राप्त होगी आपको, एक समान आनति की, समान कोण की फ्रिंजे प्राप्त, क्लियर। ऐसी जो फ्रिंजे हैं जैसे माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर में आपको ऐसी प्राप्त होती है। अब जैसे एक समान, अगर आपकी आपने जो फिल्म है वो एक समान कोण की ली हुई है, जैसे न्यूटन वाले प्रयोग में है, तो अगर आपने न्यूटन वाले प्रयोग में जो जो फिल्म लेते हैं वो एक समान कोण की होती है, इसलिए
तो एक समान कोण की होगी तो प्राप्त जो फ्रिंजे होंगी पर्दे पर वो कैसे होंगी, एक समान मोटाई की होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजो फ्रिंजे भी बोलते हैं। तो जो ये चीज एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो एक समझने की है, जब उपकरणों के वर्णन करेंगे अलग अलग कर कर उस वक्त ये पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो फ्रिंजों के बारे में और फिल्म के बारे में ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। कल इसके आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सब बातों को बखूबी से ध्यान रखें, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।